किसी के पास उत्तर नहीं, कोई नहीं जानता, किंतु हम जान कर ही रहेंगे। हम स्वयं देखेंगे कि कौन है वो जो महिषासुर को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाह कर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके हैं। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया होगा। और यदि तुम्हारा मन मुझे अजय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अट्ठास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्ठास से भयभीत हो जाएं, किंतु हम दानव जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं, तुम्हारे इस ठास से प्रसन्न हुए हैं। मैं तो तुम्हारे रूप से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि इंद्र को दास बनाने की इच्छा रखने वाला ये महिषासुर तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे लिए ही प्रकट हुई हो सुंदरी। मेरी प्रेम याचना अस्वीकार न करना सुंदरी। नहीं। परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। ऐ सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मेरे मन को स्वीकार नहीं। यह कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्ग लोग। इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। सुंदरे, तू जितनी सुंदर है उतनी हठीली भी। तूने महाबली महिषासुर के साथ शत्रुता करके भूल की है। उन्होंने नारी समझकर तुझ पर अब तक प्राणांत तक प्रहार नहीं किया, किंतु मैं महाबली का दूत टिक्सुर तुझ पर दया नहीं करूंगा। ले भुगत अपनी दुष्टता का परिणाम। तूने टिक्सुर का अंत कर दिया, किंतु अब असीलोम तेरा अंत कर देगा। शासुर मर्दनी माँ काली की जय, महिषासुर मर्दनी की जय, महिषासुर मर्दनी माँ काली की जय, महिषासुर मर्दनी की जय।